राम जन्मभूमि का फैसला आने वाला है। फैसला जो भी हो, हम सबको स्वीकार करना होगा। कृष्ण की नगरी मथुरा में साध्वी रितंबरा के आश्रम में नेत्र शिविर के समापन कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला मंदिर के पक्ष में होगा। देखिए, हम सबको धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने वर्तमान चीफ जस्टिस साहब को और 5 सदस्यीय जो बेंच है, उन्होंने बड़ी तेज सुनवाई करके सुनवाई को पूर्ण कर दी है और अब बारी है निर्णय की। अब जो भी निर्णय आए उसको देश को स्वीकार करना चाहिए। हमारा विश्वास है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। हमने जितने साक्ष्य दिए हैं, जितनी बातें हुई हैं, इसमें संसार में कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि भगवान राम के अस्तित्व पे कोई प्रश्न है, ये मेरा विश्वास है। फिर भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मनोज तिवारी कि अब ये निर्णय जो भी हो उसको देश स्वीकार करे। हाँ, हमें प्रसन्नता है, लेकिन प्रसन्नता को भी भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने सुखों को, दुखों को, अपनी खुशियों को शमन करना आना, वो भी एक बहुत ज़रूरी होता है। देश जो है, मैं समझती हूँ पूरा हिंदू समाज ही नहीं, अभी तो बहुत सारा निष्पक्ष मुस्लिम समाज भी चाहता है कि राम मंदिर का विषय जो है वो ये विषय ना रहे और मंदिर बन जाए। अयोध्या मामले में फैसला को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन अपनी पैनी नज़र सुरक्षा को लेके बनाए हुए हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान एवं उसके आसपास के पूरे इलाके में भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। आज कृष्ण जन्मभूमि पर मॉकड्रिल की गई थी, जिसमें वहाँ CRPF और PSC और लोकल पुलिस सभी कोऑर्डिनेटेड में मॉकड्रिल की गई है, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सभी के अधिकारी शामिल थे। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो देखा गया एक बार चारों तरफ का कि कहाँ पर क्या क्या कमी है और उसके मुताबिक कंट्रेस दिए। क्या अत्यंत सुरक्षाबंद किया है अयोध्या फैसले के देखते हुए? हाँ, उसी के संबंध में तैयारियाँ की जा रही। SP City अशोक कुमार मीना का कहना है कि श्री कृष्ण स्थान एवं उसके आसपास के इलाके में मॉक ड्रिल कर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मथुरा से MM सारस्वत की रिपोर्ट।